घासीराम खजांची। धनपुर नगर में घासीराम नाम का एक महाकंजूस रहता था। वह राजा के दरबार का खजांची था। एक दिन वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी को पूड़े खाते हुए देखा। उसका मन मचल उठा। कितने दिन हो गए मुझे पूड़े खाए, आज मैं भी अपनी पत्नी से पूड़े बनवा कर खाऊंगा, लेकिन उस पर तो काफी खर्चा आ जाएगा। यही सोचते हुए वह घर पहुंचा। घासीराम की पत्नी ने उसको देखा तो पूछ बैठी, क्या बात है, आज तुम बड़े उदास दिखाई देते हो। कुछ नहीं, बस यूं ही, वह बोला। बताओ ना क्या हुआ, क्या महाराज किसी बात पर तुमसे नाराज हो गए हैं, उसकी पत्नी ने आत्मीयता से पूछा। घासीराम कुछ नहीं बोला। ओहो, कुछ तो बताओ, आखिर क्या बात है, घासीराम की पत्नी झुंझलाई। तो फिर सुनो, आज मेरा पूड़ा खाने की इच्छा हो रही है। बस इतनी सी बात, मैं अभी पूड़े बनाकर लाती हूँ, इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चल दी। भाग्यवान, लेकिन मेरी बात तो सुनो, घासीराम चिल्लाया। अब क्या है, सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। वाह, मैं और बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को बीच में क्यों लाती हो, रही तुम तो तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी, इसलिए सिर्फ मेरे लिए ही बनाना। ठीक है, एक लंबी सांस छोड़ती हुई घासीराम की पत्नी रसोई घर की तरफ पलटी। ठहरो, घासीराम ने फिर टोका, अब क्या हुआ। सुनो, अगर तुम रसोई घर में पूड़े बनाओगी तो उसकी सुगंध पड़ोसियों के घर में भी जाएगी और फिर उन्हें भी पूड़े देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। जरूरत की सारी चीजें छत पर ले चलते हैं, तुम वहीं पूड़े बनाना। कुछ देर बाद घासीराम और उसकी पत्नी जरूरत का सारा सामान लेकर छत पर आ गए। देखो यहाँ कोई भी नहीं है, घासीराम प्रसन्न स्वर में बोला, तुम पूड़े बनाना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद घासीराम ने अपनी पत्नी से पूछा, बन गए पूड़े। बन तो गए, लेकिन ठंडे हो जाने दो। तभी वहां एक भिक्षुक आ गया, उसने भी एक पूड़ा मांगा। घासीराम उठा और उसे भगाने लगा, मगर वह छत के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। इसी तरह काफी देर तक भागम भाग होती रही, वह भिक्षु उसे छकाता रहा। अंत में घासीराम थक हार कर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसके लिए एक छोटा सा पूड़ा बना दो और इसे यहाँ से चलता करो। लेकिन वह जैसे ही छोटा पूड़ा बनाती वह बड़ा हो जाता। घासीराम से रहा न गया, उसने एक छोटा पूड़ा उठाने की कोशिश की, मगर सारे पूड़े आपस में चिपक गए। ऐसा करो, तुम उस तरफ से खींचो और मैं इस तरफ से, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। इस खींचतान में घासीराम एक ओर जा गिरा। घासीराम ने सोचा, जरूर कोई पहुंचा हुआ भिक्षु है। फिर उसने मन ही मन फैसला करके सारे पूड़े उस भिक्षु की ओर बढ़ा दिए। लो महाराज, जितना चाहो उतना खा लो, मुझे यह पूड़े अपने लिए नहीं बल्कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए चाहिए, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भिक्षु बोला। महाराज बुद्ध, मुझे क्षमा करें, वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा, मुझे पता नहीं था, उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, भिक्षु ने कहा। उनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे वहां अवश्य ले चलो, घासीराम ने उससे प्रार्थना की। फिर उस भिक्षुक ने हाथ ऊपर किया तो वहां सीढ़ियां प्रकट हो गईं। कुछ क्षण बाद ही वे महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने पूड़ों के उपहार को स्वीकार कर लिया। सब भिक्षुओं को पूड़े बांटे गए। घासीराम और उसकी पत्नी को भी हिस्सा मिला। जीवन में पहली बार अपरिचितों के साथ बांटकर खाने में उसे बड़ा आनंद आया। आह, कितना सुख मिल रहा है, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। तुम उधर क्या घूर रही हो, वो पूड़े सबने खा लिए, फिर भी थाल ज्यों का त्यों पड़ा है, घासीराम की पत्नी आश्चर्य से बोली। मैंने भी जीवन में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था, सचमुच आज हमारे जीवन का यह स्वर्णिम दिन है। फिर घासीराम अपनी पत्नी के साथ घर की ओर चल दिया। अब उसका हृदय पूर्णतया परिवर्तित हो चुका था। प्रिय, कल सारे मोहल्ले के लिए पूड़े बनाना, घासीराम ने अपनी पत्नी से कहा। शिक्षा, पेट तो जानवर भी अपना भरता है, लेकिन मनुष्य और जानवर में इतना अंतर है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। खाने पीने का आनंद इसी में है कि खुद भी खाऊं दूसरों को भी खिलाओ, इससे घर में बरकत होती है, मिल बांट कर खाने में ही आत्मिक सुख मिलता है। वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आओ सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।